फिर केस स्टडी डिस्कस करेंगे. सो इन 20th क्वेश्चन व्हाट ही हैज गिवन, ITR दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाज 7 टाइम्स. इसका फॉर्मूला आता होगा, तभी मिसिंग वैल्यू निकालोगे. जहां पे मेरे को जरूरत पड़ती है मैं वहां पे फॉर्मूला लिखती हूँ. तो फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, न्यूमिरेटर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 7 टाइम्स. हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है. व्हाट एल्स ही वाज गिविंग, ओपनिंग एवरेज इन्वेंट्री का जरा फॉर्मूला लगवाओ. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ही सेज ओपनिंग 10,000 लेस देन है क्लोजिंग के. अगर मैं क्लोजिंग को एक्स मानू तो ओपनिंग एक्स माइनस 10,000 होगा. एम आई राइट? डिवाइडेड बाय 2. अब यहां पे जब मैं ये वाला लिखती हूँ, ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बनता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे लिखो 2x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 7 टाइम्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. पूछा क्या हम लोगों से ओपनिंग, ये बन गया 7 लाख. उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14x माइनस 70,000 डन. ये इधर आया, ये बन गया 630 डन इज इक्वल टू 14x. 14 से डिवाइड करके बताओ मेरे को 7 के टेबल पे जाएगा. 6,30,000 डिवाइडेड बाय 14, 7 2s are 7 9s are 45,000 है भाई. चेक करो 45,000 क्या आया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उसने ओपनिंग पूछा है. क्या आंसर आना चाहिए, मैंने पूछा क्या है, ओपनिंग 45 आया. मैंने पढ़ लिया, देन ओपनिंग स्टॉक मिल भी, ओपनिंग स्टॉक तो 35 आना, 35 तो ऑप्शन ही नहीं थी. 45 क्या है, ओपनिंग एक्स किसको माना, एक्स की वैल्यू आई है. एक्स क्या है, एक्स तो क्लोजिंग है. पढ़ो जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री. लेट मी चेक फ्रॉम द बुक फ्रॉम वेयर आई पुट दिस क्वेश्चन. 35 ऑप्शन दे रखी है उसने. ओपनिंग इन्वेंट्री ही पूछी है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स थोड़ा ना मानी हमने. ओपनिंग तो 10,000 लेस आना, 35 होना चाहिए आंसर. देखो आप, गलत नहीं लग रही ऑप्शन क्या, मैंने क्लोजिंग को एक्स माना है ना. ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग से 10,000 कम है, इट मीन्स की ओपनिंग 35 आना चाहिए क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 45 है. तो 35,000 शुड बी वन ऑप्शन इन द क्वेश्चन. दोबारा बोलो फिर क्या. अच्छा फिर आंसर 7 टाइम्स नहीं आएगा, तो फिर लेस देन कैसे, ये एवरेज एवरेज. चलो एक मिनट चेक करते हैं. अगर मैं इसको 35 लेती हूँ, इसको 45 लेती हूँ डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 80 मतलब 40. 35,000 और 3,50,000 डिवाइडेड बाय 40 नहीं जाता, 7 टाइम्स नहीं. कि नीचे कितना आना चाहिए फिर, 50,000 आना चाहिए नीचे, है ना, 50 आना चाहिए तभी 7 टाइम्स होगा. तो 50,000 कैसे बनेगा फिर. हाँ पर यहां पे फिर हमारा, हम गलती कहां पे कर रहे हैं. हाँ नहीं, पर इस तरह से भी तो आना चाहिए, कुछ गलती कर रही हूं मैं. जरा कैलकुलेशन चेक करो, ये x प्लस x ही हुआ और माइनस 10,000 हुआ. क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक किया मैंने, 14x माइनस 70,000 ये 630 बना. 630 को 14 से देखो, मैंने कैलकुलेशन ये ठीक करी है. 6,30,000 डिवाइडेड बाय 14 करो फटाफट, मैथ्स वाले खोलो कॉपी. कल का टेस्ट दिया तूने, 12 6,30,000 डिवाइडेड बाय 14 कितना आता है,
45 ही बन रहा पॉइंट्स में आ रहा है 45 ही है ठीक तो है पॉइंट्स में कहां आ रहा है मैं सिर्फ ये वेरीफाई करना चाहती हूं कि हाउ वी डिड इट देखते हो 45,000 डन दे आर सेइंग यस 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 यहां पे नेगेटिव है इधर आके नेगेटिव छोड़ना रहना इधर पॉजिटिव होना है घर बैठे बच्चों ने कर लिया जज 7,70,000 देखो उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होना गलती कर रहे थे ना ऐसे नहीं है कोई मिस्टेक हुई है तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा 7 गुड जिसने भी आंसर किया ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेरी गुड 7,70,000 डिवाइडेड बाय 14 फिर से 7 की टेबल पे 7 2s are एंड 1 10 ठीक है 11 7s are 77 आ गया 55 डन टू ओपनिंग 45 आना है ठीक है सो वी हैव टू डू इट करेक्टली करेक्ट ऑप्शन ही दी होती है आमतौर पे हमारी गलती थी तो रसिका आंसर गुड चलिए जी केस स्टडी पढ़ते हैं एडमिशन में से थी केस स्टडी और रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स से मैक्सिमम केस स्टडी पहले पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं सो इट वाज फ्रॉम 16 क्वेश्चन आई थिंक We were having two partners, X and Y. Their profit sharing ratio was 3:2. They admitted Z. और additional information क्या दे रखी थी? Z की admission पे A ने sacrifice किया 1/10 और B ने भी sacrifice 1/10 ही किया. दोनों की sacrificing ratio equal है. Sacrificing ratio शायद question में use नहीं होनी. ठीक है? हमसे क्या पूछा है? पहले new ratio तो नहीं पूछी पहला question. ओके आई डू हैव टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 जेड इज बीइंग एडमिटेड तो एक्स ने सैक्रिफाइस किया हाँ नीचे एक्स सैक्रिफाइस लिखना चाहिए था देखो मैंने प्रिंटेड क्वेश्चन लिया वहां पे नाम ही चेंज कर दिया ही इज राइटिंग ए सैक्रिफाइस इट्स नॉट ए इट्स एक्स सैक्रिफाइस राइट सो एक्स का सैक्रिफाइस कितना है 1/10 वाई का भी सेम है 1/10 दोनों के सैक्रिफाइस मेरे पास है ओल्ड रेशियो मेरे पास है दोनों के डिफरेंस से मैं न्यू रेशियो निकाल सकती हूँ सो लेट्स कैलकुलेट एक्स न्यू रेशियो 3/5 - 1/10 राइट 10 एलसीएम दिस इज 6 - 1 इज इक्वल टू 5/10 वाई इज न्यू रेशियो यस 2/5 - 1/10 10 एलसीएम दिस इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10 जितना दोनों ने सेक्रीफाइस किया दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास जेड का शेयर आ जाएगा तो सीधा 1/10 + 1/10 दैट इज 2/10 देखो ये ऑप्शन थी सो आई हैव दिस ऑप्शन इन द क्वेश्चन 5:3:2 जिन्होंने इसको टिक किया दे गॉट 1/1 आगे चलते हैं कुछ एक वैल्यूज दे रखी हैं पहले मैंने वो आपसे डिस्कस करनी है बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है स्टूडेंट्स 5,22,000 फर्नीचर की गिवन वैल्यू है 81,000 स्टॉक की वैल्यू है 60,000 फर्नीचर को जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला तो बाय वाली साइड पे लिखा स्टॉक को भी बाय वाली साइड पे लिखा इट मींस की दोनों वैल्यूज बड़ी है ना ठीक है अगर कोई आइटम जैसे बिल्डिंग इसने डेबिट साइड पे लिखा तो बिल्डिंग क्या हुई है कम हुई राइट अब हम लोगों से क्या पूछा उसने देखना कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया उसने फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाय परसेंटेज बताओ फर्नीचर कितने से ओवर वैल्यूड था एंट्री क्या आई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन और फर्नीचर कितने से बढ़ाया इसने 9,000 से कैसे निकालेंगे वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे 9,000 से फर्नीचर बढ़ा है इट मींस कि आपने फर्नीचर 90,000 का करना यही हुआ ना आपने जब रिवैल्यूएशन में एंट्री करी आपने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट राइट और आपने एंट्री करी 9,000 से
कहीं पे क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि कितने से फर्नीचर बढ़ा है, हाउ विल यू कैलकुलेट इट। ये जो 81,000 है ये कितने के पीछे है, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, क्या क्या ट्रिक लगाओगे, परसेंटेज बतानी है आपने मेरे को फर्नीचर कितने से बढ़ा, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, अप्लाई योर माइंड। 81,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इनटू 100 करके देखना जी, 81,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इनटू 100 देखो जी 9,000 से फर्नीचर बढ़ा है, ठीक है 9,000 से अगर फर्नीचर बढ़ा है तो 9,000 इज द इंक्रीज इन द वैल्यू, ठीक। मैंने क्या अजम्पशन ली, 9,000 और वैल्यू इसने हमें कितनी दे रखी है 81,000, इंक्रीज इन द वैल्यू एंड द कॉस्ट से डिवाइड करो, अब निकालो जरा आंसर कितना आता है, 81,000 डिवाइडेड बाय 9,000 होगा मेरे को लगता क्योंकि 10% आंसर निकाला इसने, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इट वॉज 81,000 अर्लियर, कितना इंक्रीज हुआ 9,000 इंटू 100 पे भी नहीं जाना, हाँ 81,000 100 माइनस एक्स, अगर हम ये मान के चले कि इट हैज बीन ओवर वैल्यूड बाय एक्स, अगर हम ये x की वैल्यू से कैलकुलेट करके देखते हैं, चलो लेट्स अज्यूम इट केस स्टडी डन, 15th पढ़िए, assertion आई विल बी राइटिंग ऑन द बोर्ड, सब जितने लोग बैठे हैं मेरे को लगता है सबने अटेम्प्ट किया है, दे विल रीड इट फॉर द सेकेंड टाइम एंड दे विल टेल मी विच ऑप्शन यू विल बी पुटिंग। Assertion. When a new partner is admitted, all reserves and accumulated profit or losses existing in balance sheet should be transferred. आप बताओ line को complete करो। जब नए बंदे की admission होती है और बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी पड़े हैं, कम्युनिटी प्रॉफिट और लॉस भी पड़ा, क्या करें, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट दें। देखो इसने क्या लिखा, शुड बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट है ना, असर्शन इज करेक्ट। रीजन में क्या लिखा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, हेंस इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, वो भी ठीक है लाइन, लेकिन सेकंड वाली लाइन का फर्स्ट वाली लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, so both are correct but reason is not the correct explanation of assertion, right? EPF agar wo likh deta EPF should be divided among the partners to wo wrong hota, fir hamara A only correct hota aur R kya hota wrong hota, lekin usne second line bhi correct likhi hai, ye bhi maximum bachcho ne theek hi kiya hai, aur dekhiye assertion aur reason, so this will be B option, ha assertion hai, when capitals are fixed assets taken over by partner will be shown on the debit side of his capital account instead of current account, वैसे जब capital fix होती है हम सब कुछ current account में transfer करते हैं, ये कहता है कोई asset अगर partner ने ले लिया तो हमने current account में transfer नहीं करना, capital account में transfer करना है, why? reason में क्या लिखा, fixed asset taken over by partner will be considered as a withdrawal of the capital in the absence of any other information, means my partners are liable to the firm, अगर कोई पार्टनर मेरा एसेट लेके चला जाता है तो उसको पैसा हम लोगों ने उसकी कैपिटल में से लेना है, तो कारण बिल्कुल ठीक लिखा है, एंट्री यही होनी चाहिए, लाइक ए इज टेकिंग ओवर एनी इन्वेस्टमेंट, एंट्री होनी चाहिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, इवन इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, मैंने इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, मैंने इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बिकॉज इट इज सेम एज अ विथड्रॉल ऑफ कैपिटल,
फंडामेंटल्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड वी प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज करंट अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर विथड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो ये पैसा क्योंकि हम लोगों ने पार्टनर से लेना है तो उसकी कैपिटल में से लेंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रूल, अ न्यू रूल यू आर कमिंग टू नो। ठीक है, एक नया रूल आपको पता चला कि व्हेनेवर फिक्स्ड एसेट्स आर बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर एंड द कैपिटल्स दे सेट इन द क्वेश्चन आर फिक्स्ड, we will not be putting that asset to their capital current account, rather we will be debiting their capital account. So reason is the correct explanation of assertion. So this was A option. ठीक है, एक नई चीज आपको पता चली theory की। आगे चलिए। At the time of admission of a new partner, if the outstanding liability is paid by the firm, क्या entry हुई होगी? Admission के time पे है, firm एक कोई liability pay करती है तो क्या entry हुई होगी? Like outstanding wages है तो entry क्या हुई होगी? Outstanding wages account debit to cash, ठीक है? It will not be shown in the revaluation account, is it correct? बोलो, कोई outstanding liability की अगर आप payment कर देते हो entry क्या है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि revaluation में revaluation of assets and reassessment of liability आता है, ये तो payment हो गई, value change थोड़ी ना हुई। तो पहली line correct है, it is not to be shown in the revaluation account, reason भी correct है। Because revaluation account is being prepared to revalue assets and to reassess the liability. Because लगा के join करो दोनों लाइनों को। At the time of admission of a new partner, if outstanding liability is paid by firm, it will not be shown in the revaluation account because revaluation account is being prepared to revalue the assets and to reassess the liabilities. So it is what? Reason is the correct explanation of assertion, right? This was 13. आगे चलते हैं। अगला सॉल्व करेंगे, नहीं assertion reason ही है पर सॉल्व करके ही पता चलेगा। लेट्स सी, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंसर्न इज 2:1, इफ अ मशीनरी इज बीइंग परचेज तो एंट्री क्या हुई होगी? मशीनरी टू शेयर कैपिटल, क्योंकि वेंडर को मैंने क्या बोला, तू मेरी शेयर कैपिटल ले लेना। वैसे बच्चों दो एंट्रीज होती है, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। जब आप मशीनरी खरीदते हो तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, क्योंकि ये जनरल इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट बता देती हूँ। अगली क्या होगी? वेंडर टू शेयर कैपिटल, पहले अमाउंट को ड्यू करेंगे फिर उसे शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे। ठीक है, ये शेयर कैपिटल के चैप्टर में हमने दोनों एंट्रीज करनी है बार बार। क्या इस ट्रांजेक्शन का मेरी डीई पे कोई फर्क पड़ेगा? डी का फॉर्मूला क्या है? तो इसमें से कोई डेट है? इक्विटी तो है, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी, इट मीन्स की डिनोमिनेटर बढ़ा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो क्या हो जाती है? कम। बोलो, न्यूमिरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज बीइंग इंक्रीज एंड रेशियो विल कम डाउन। उसने लिखा है डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज और रीजन में लिखा है नो चेंज इन डेट बट इक्विटी इंक्रीज। ठीक है, फिर से ए ऑप्शन, दैट इज एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, क्योंकि वो कहता है डेट क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं और इक्विटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, इसलिए रेशियो विल कम डाउन। अगला पढ़ते हैं भाई, ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ। करंट रेशियो इज 1:1, मींस जितने करंट एसेट्स हैं उतनी ही करंट लायबिलिटी है, और ऐसे हालातों में जब मैं वर्किंग कैपिटल निकालूंगी तो जीरो आएगी, बिकॉज अगर करंट एसेट 1,00,000 है करंट लायबिलिटी भी 1,00,000 है, दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, यही तो लिखा उसने। इफ करंट एसेट इज 1, करंट रेशियो इज 1:1, इट्स नेट, नेट का मतलब है वर्किंग कैपिटल, ओनली वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल विल बी जीरो, डन। रीजन में क्या लिखा? When net working capital is zero, it will reduce current ratio. गलत। When net working capital is zero, it will remain same. जब net working capital decrease थोड़ी ना होगी। Reason में उसने लिख दिया, When net working capital is zero, it will reduce the current ratio. No way. Current ratio will remain same भाई। आप कुछ भी कोई भी entry करके देख लो, like stock purchased, goods purchased, on credit. 50,000 से करंट एसेट बढ़ेंगे, 50,000 से करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी, ये भी 1,50,000 हो गया, ये भी 1,50,000 हो गया, सेम रहना है। सो व्हेनेवर द वर्किंग कैपिटल इज जीरो, रेशियो विल रिमेन सेम। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, सो सी ऑप्शन यू नीड टू टिक देयर। ठीक है, उसमें आपने सी ऑप्शन को टिक लगा के आना था। असर्शन एंड रीजंस आर ओवर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन बेस था, रेशियो का था। सी 10th क्वेश्चन, टोटल डेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डेट, हु विल टेल मी, एलैबोरेट करो इस टर्म को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डेट, टीडी,
बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, विल यू एग्री? लॉन्ग टर्म डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटी बीच में ऐड कर दें तो इसका टोटल उसने हमें 7 लाख दे रखा, ठीक है? दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर क्या हुआ, शेयर कैपिटल दे रखी है 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 10 लाख, करंट लायबिलिटीज आर 5 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 7 लाख। आपसे पूछा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकाल। चलिए लेट्स कैलकुलेट। टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे? टोटल डेट में शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर फंड्स ऐड कर दूं तो मेरे पास एसेट्स का टोटल आ जाएगा। बैलेंस शीट इक्वेशन याद करवाई हुई है ना, बैलेंस शीट इक्वेशन किसके बराबर होती है? टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स। टोटल डेट इन इटसेल्फ इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटी, दिस इज इक्वल टू 7 लाख। शेयर होल्डर फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को ऐड किया 25 लाख, सो दैट इज इक्वल टू माई टोटल एसेट्स। 32 लाख इज माई टोटल एसेट। न्यूमिरेटर पता चल गया, बोलो कितना? 32 लाख। डेट, डेट का मतलब क्या? फॉर्मूले में करवाया हुआ आपको लॉन्ग टर्म डेट, ये तो मेरे पास कितने हैं? शॉर्ट टर्म डेट में इसमें ऐड है। वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7 लाख, करंट लायबिलिटीज आर 5 लाख, ठीक है? ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इट मींस की तो नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं करंट एसेट, ये मेरे को जरूरत ही नहीं है। व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग करंट एसेट, मेरे को नहीं चाहिए। करंट लायबिलिटी वैसे इसमें से माइनस करो, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो 5 लाख, 2 लाख, तो रेशियो इज 16:1। ये ऑप्शन थी, ठीक है? व्हाई आई वाज कैलकुलेटिंग हियर करंट एसेट, आई डोंट रिक्वायर हियर। हां, हैड ही बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कैलकुलेट करंट एसेट, तो वी कैन कैलकुलेट करंट एसेट 12 लाख आते इस क्वेश्चन में। वो मेरे से ये भी मिसिंग वैल्यू पूछ सकता था, बट ही हैज आस्क्ड कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फाइन विद एवरीवन? 9th देखो, यस, मैचिंग था, इजी था। ऑन वन साइड आई वॉज हैविंग करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो दिस इज वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट का बी के साथ था मैचिंग, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अगला था, जरा बताना ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस शॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। वो प्रीपेड ना लिख के उसे कह रहा है एडवांस टैक्स। मोहित, किस चीज का फॉर्मूला है? तो इसको क्विक एसेट से, क्विक एसेट का उसने दूसरा नाम लिक्विड एसेट लिखा, तो हम लोग सेकेंड को डी के साथ मैच कर देंगे। डी में लिक्विड एसेट था। फिर उसने एक फॉर्मूला लिखा, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड। किस चीज का फॉर्मूला सर जी? टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो, बाकी क्या बचेगा लाइबिलिटी साइड पे? टोटल डेट, टोटल डेट ना, दो ही तो चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट। देखो टोटल डेट ऑप्शन दे रखी है। टोटल एसेट्स में से अगर शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो तो यस, टोटल डेट ही हैज गिवन ए ऑप्शन। थर्ड को ए के साथ मैच करना है। अगला बताना जरा मेरे को, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट भी माइनस कर दिया, शेयर होल्डर फंड भी माइनस कर दिया, बचा क्या? करंट लाइबिलिटी। वही तीन ही तो चीजें हैं लाइबिलिटी पार्ट पे। देखो करंट लाइबिलिटी ऑप्शन है, यस करंट लाइबिलिटी वाज़ ऑप्शन डन। हमें ये फॉर्मूलास आते होंगे जो डिराइव्ड फॉर्मूलास हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ये, डिराइव्ड फॉर्मूलास हैं। आपके रेशियो के फॉर्मूलास में से फॉर्मूलास निकले हुए, सो मैचिंग वॉज टिपिकल टू सम एक्सटेंट एंड फॉर दैट यू नीड अ प्रैक्टिस। आगे चलते हैं भाई, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी, दिस इज 8th क्वेश्चन वी अराइव्ड एट। सर करंट रेशियो ही इज गिविंग 5:2, इसको मैं 2.5:1 लिख दूं तो मेरे को ज्यादा इजी लगता है, व्हाट डू यू से? है ना, ऐसे लिख सकते हैं। करंट लायबिलिटी, दिस इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5:1। करंट लायबिलिटीज ही इज गिविंग मी 60,000, 2.5। आपसे पूछा क्या है? लिक्विड रेशियो निकालो, गुड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1, 20 और 30, 1.5 लाख।
करंट एसेट्स आर 1.5 लाख, आपसे पूछा लिक्विड रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स मेरे निकल सकते हैं अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक पता चल जाए, तो क्वेश्चन में स्टॉक है भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस आई विल बी अज्यूमिंग जीरो, इन्वेंटरीज 30,000, 30 इसमें से माइनस किया 120, लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आर 60,000, हाउ इजी नाउ इट इज, दैट इज ऑल 2:1 एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन डन। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अकाउंट्स का पेपर है भाई, कॉपी पेन लेके बैठेंगे वहां पे आपको शीट या रफ वर्क के लिए कोई स्पेस मिलेगी, आप शीट मांगोगे, सप्लीमेंट्री शीट मांगोगे, यू नीड टू कैलकुलेट इट, तुक्के थोड़ी ना चलाने हैं जहां पे फॉर्म। हाँ बोलो, ओएमआर शीट पे तो आपने सर्कल करना है, पर रफ वर्क के लिए भी तो कुछ देंगे। आई सुजेस्ट फर्स्टली डार्कल द सर्कल विद पेंसिल, लेकिन इतना मार्जिन लेके चलना, बाद में पेन के साथ आप उसे करो, मतलब 5-7 मिनट अपने पास रखोगे, ठीक है, रिवाइज करते हुए आपको पता चला गलत ऑप्शन है तो पेंसिल हम इरेज कर सकते हैं और साथ साथ डार्क करते जाओ। यू हैव टू मैनेज, व्हाइटनर इज नॉट अलाउड, नहीं कांटा इज नॉट अलाउड, जो आपने पहली ऑप्शन लगाई होगी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, बाकी 7 क्वेश्चन रहते हैं, वी विल डिस्कस इन द 4th पीरियड एंड देन वी विल रिवाइज।